अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। क्या राजेंद्र अग्रवाल भी तैयार है चुनाव? नहीं, सभी तैयार हैं। देखिए, हमारा जो प्रत्याशी वो परमानेंट है। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, नेतृत्व तो हमारा तेजस्वी है और कार्यकर्ता हमारा समर्पित है। हम निश्चित रूप से विजय हासिल करने वाले। यह वाक्य बहुत कुछ कहने, समझने और संकेत देने वाला है। वह भी तब, जबकि मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का सपना तमाम लोग दिल में सजे बैठे हैं। यानी टिकट की घोषणा पार्टी नेतृत्व के लिए तलवार की धार पर चलने से कम ना होगी। ऐसे में हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपने चुनाव कार्यालय खोलने शुरू कर दिए। इस क्रम में लोकसभा प्रभारी व लोकसभा संयोजक भी नियुक्त कर उन्हें चुनावी ड्यूटी सौंप दी गई है। जिन लोगों को यह दायित्व दिया गया है उनके लिए साफ संदेश है कि फिलहाल वे भले ही टिकट पर अपनी दावेदारी जता सकते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी संभालते हैं। इस संदेश से तमाम उन लोगों को भी झटका लगा माना जा रहा है जो संभावित लोकसभा प्रत्याशियों के नाम वाले ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम सबसे ऊपर देख रहे थे या देख रहे हैं। आज मेरठ हापुड़ लोकसभा चुनाव कार्यालय का भी मेरठ शास्त्री नगर में शुभारंभ कर दिया गया। मंच पर 3 बार से सांसद राजेंद्र अग्रवाल के साथ ही तमाम वे चेहरे भी मौजूद थे जो पुरजोर तरीके से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि सभी ने एक स्वर में यही कहा कि चाहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट हो अथवा किसी अन्य का, चुनाव कमल ही लड़ेगा और कमल को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। यहां बात चुनाव चिन्ह की हो रही है। मेरठ हापुड़ लोकसभा चुनाव संयोजक कमल दत्त शर्मा को बनाया गया है, यानी अब फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रत्याशी का नाम भरना शेष है। तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा का यह कदम निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में विपक्ष के सामने एक लंबी लाइन साबित हो सकता है, वह भी तब, जबकि अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं। अब पहले सुनिए भाजपा के महानगर अध्यक्ष ऋतुराज जैन को, जिन्होंने बताया कि चुनाव घोषित होने से पूर्व ही चुनावी कार्यालय क्यों खोले जा रहे हैं। उन्होंने मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की तरफ इशारा करते हुए यह भी कहा कि कमल का फूल केवल एक ही जगह नहीं बल्कि सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दिल में निवास करता है। ऐसा कमल का फूल होता है कि 2014 में हमें 34.5% मत मिला, 2019 में 38.5% मिला और इस विधानसभा चुनाव में हमें 42% मिला। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो 42% की नहीं है, वो लड़ाई है 51% प्राप्त करने की। और जैसा कहा, यहां पर ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तो आप सबको अब तैयार हो जाना है एक काम के लिए। किस काम के लिए? 24 घंटे हम भारतीय जनता पार्टी के, देखिए हम सब बहुत पुण्यशाली व्यक्ति हैं, हम इस समय ऐसे स्वर्ण युग में हैं, हम वास्तव में पुण्यशाली हैं। हम सोचते थे कि परम वैभव पर हमारा देश पहुंचेगा, विश्व गुरु बनेगा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होगी, स्थापित होंगे। आप 22 तारीख का दृश्य देखिए कैसा अनुपम दृश्य था। हर सड़क पर भजन कीर्तन भंडारा, श्री राम की जय जयकार। आज एक बात आप नोट कर लीजिएगा, मोदी जी साधारण व्यक्तित्व नहीं है, एक ऐसे देवतुल्य व्यक्ति है, ऐसे महामानव है जिनके नेतृत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ऐसा राम राज्य जो हम किताबों में पढ़ा करते थे वो राम राज्य वास्तव में स्थापित होने वाला है, ये आप तय मानकर चलिए। और ये जो दुशासन और दुर्योधन है, इनका जितने भी हैं इन सबका अंत वही होने वाला है जो दुशासन और दुर्योधन का हुआ है। और जो सहयोग देंगे वास्तव में वो पुण्य आत्मा होंगे। तो आज यहाँ पर हम सब ये संकल्प लेकर जाएंगे कि आज के बाद ये कार्यालय खुला है तो हम पूरी प्राण शक्ति के साथ कमल के फूल को जिताने के लिए, कम से कम मैं 3 विधानसभा की बात करता हूँ, बाकी तो शिव कुमार राणा जी हैं, नरेश जी हैं, 3 विधानसभा के अंदर हम कम से कम 2 लाख वोटों से जीत कर आएंगे। भाजपा के कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने इस देश की संस्कृति को जीवित रखने व राममय भारत बनाने के लिए मोदी का PM बनना बेहद जरूरी बताया। साथ ही कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटें भाजपा जीतेगी।
कैंट विधानसभा क्षेत्र से ही 2,00,000 वोट सांसद प्रत्याशी को मिले हैं। देखिए, क्रीड़ा हमारे संगठन ने उठाया है, वो बात प्रारंभ हुई है, वो बाधाएं हटनी प्रारंभ हुई है। श्री राम जी का मंदिर स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने सबने देखा। अब सब बात हुई कि हमें दर्शन पहले मिल जाए, हमें दर्शन पहले मिल जाए, तांता लगा है। तो ये सब विकास और ये सब जो मान्यताएं हमारी पुनर्जागृत हुई है, ये बनी रहे, इसके लिए हमारी पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार जरूरी है। इसलिए मोदी योगी जरूरी है कि जो बीड़ा हमने उठाया है वो बीड़ा जारी रहे, वो हमारा संघर्ष जारी रहे, और इस देश की संस्कृति को हमें सुरक्षित रखना है। इसलिए जरूरी है कि भाजपा आए। हम सब आपको ये विश्वास दिलाते हैं अध्यक्ष जी कि निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 की 14, इस कामना के साथ कि मेरठ की सीट सर्वाधिक मतों से सर्वाधिक निर्वाचन जीते, लेकिन 14 की 14 जीते। इस मौके पर मौजूद सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। देखिए, हम लोग 12 महीने काम करते हैं, केवल चुनाव के दिनों में काम नहीं करते, चुनाव होता है, चुनाव के अगले दिन से काम करना शुरू कर देते हैं। मैं एक उदाहरण सुनाया करता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में चुनाव हुआ, हम लोग सोचते थे कि हमारी 15-20 सीट आ जाएंगी तो अच्छा हो जाएगा, 300 तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि 325 सीटें देश की, प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद के रूप में प्रदान की। लखनऊ में बैठक हुई, माननीय अमित शाह जी उस बैठक को लेने के लिए पहुंचे। सबने सोचा कि आज तो अमित शाह जी कहेंगे चलो भाई बहुत बढ़िया काम हुआ, एक दिन की छुट्टी। अमित शाह जी ने बैठक ली और अमित शाह जी ने कहा कि हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने सौंपी है, इसलिए हमको आराम करने का कोई हक नहीं है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी, कि भाई जिसको आराम करना हो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रह सकता। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़े नहीं हुए हैं, हम उसके लिए नहीं बने हैं। हमारा बड़ा सपना है, वो सपना जब हमारे सांसद नहीं होते थे तब भी था, वो सपना जो हमारे 2 सांसद रह गए तब भी था। हम हारे या जीते, उस सपने को अपनी आंखों में बसा करके, उस सपने को अपने दिल में संजो करके, हमने अपने कर्तव्य पथ के ऊपर पैर बढ़ाए हैं। इधर हम दिन रात काम करते हैं। हमारे लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, कौन व्यक्ति विधायक होगा, कौन व्यक्ति सांसद होगा, कौन व्यक्ति कुछ और होगा। हम उस अपने संकल्प के लिए आगे चलते हैं। और इसलिए अभी जैसे ऋतुराज जी कह रहे थे कि पूछा ये कार्य का उद्घाटन कैसे कर रहे हो भाई, क्योंकि प्रत्याशी का नाम घोषित हो उसके बाद चुनाव कार्य का उद्घाटन होता था। हम भी सामान्य ऐसा करते थे, परंतु उस वक्त भी प्रत्याशी का नाम घोषित होने से बहुत पहले से संगठन प्रत्येक स्तर के ऊपर, समर्पित कार्यकर्ता प्रत्येक स्तर के ऊपर अपनी जान खपा करके और वो आगे बढ़ता था। वो ठीक कहा, हमारा प्रत्याशी तो परमानेंट है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, कमल का फूल। और हम निश्चित रूप से विकास के लिए काम करते हैं, वही हमारा सपना है। मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की हसरत रखने वालों में राजेंद्र अग्रवाल के साथ ही पुराने नामों से इत्र एक नया नाम डॉक्टर विकास अग्रवाल का सामने आया है। हापुड़ निवासी डॉक्टर विकास क्षेत्रीय महामंत्री के पद पर कार्यरत है। बाहरी नेतृत्व मेरठ के मतदाता स्वीकार नहीं करेंगे, यह बात समझते हुए डॉक्टर विकास अग्रवाल शास्त्री नगर में मकान भी ले लिया है। उनका यह प्रयास कितना सार्थक साबित होगा, इस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई है, कोशिश जारी है और अंतर्द्वंद्व। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट ऑफ। नमस्कार। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस, और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।